मृत्यु के समय ब्रह्मांड तो जस का तस रहता है पर आत्मा यह चेतन शक्ति जीव को त्याग देती है और जन्म के समय धारण कर लेती है ऐसा क्यों पहली बात तो आप प्राण और चेतन शक्ति और आत्मा तीनों को एक समझ रहे एक नहीं आत्मा मतलब जो सचित आनंद है प्राण प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति ऐसे अपने आप में जड़ है इसलिए प्राण भी जड़ है जिसे आप चेतन शक्ति कह रहे हैं तो यूं जानिए जैसे पंखे को बिजली चलाती है पंखा अपने आप नहीं चलता ऐसे ही प्राण को भी जो चलाता है वो क्या है तो प्राण अपान उदान व्यान समान ये पांच प्राण के भाग हैं जिससे हमारा शरीर चलता है और प्राण सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है एक तो ये है हमारा स्थूल शरीर जो मरा तो जला वो एक कहावत है कहते हैं जो खिला सो झरा जो भरा सो बुताना कहावत है ये जो चीज खिलती है वो झड़ती है और जो चीज बनती है सो भूताना मैने एक दिन वो बुत जैसी जड़ हो जाएगी जैसे फूल खिलता है मुड़ जाता है और शरीर बना है एक दिन ये मिट्टी हो जाता है मुर्दा बुत ही तो है तो भूताना मैंने वो बुत हो जाएगा मैंने प्राणहीन हो जाएगा तो ये हम जिसकी बात करते हैं वो है स्थूल शरीर और फिर एक है हमारा जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर पांच ज्ञान इंद्री पांच कर्म इंद्री पांच प्राण मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये सत्रह उसके कॉन्सीचुंट होते हैं उसके हिस्से हैं तो स्थूल शरीर जब मरता है तो ये सूक्ष्म शरीर क्योंकि प्राण मन मन के साथ बुद्धि चित्त और अहंकार ऐसे ही इंद्रिया ये सत्रह के सत्रह का जो सूक्ष्म मन जो आँख से दिखेगा नहीं सीधी सी बात वो जो सूक्ष्म देह है वो नहीं मरता है स्थूल मरता है सूक्ष्म बनता है बना रहता है वो, अब वो अपने कर्म अनुसार आगे जाएगा यात्रा करेगा जैसे अगर मैं आपको कहूँ किस शक्ति से तुम्हारी आंख देखती है उस शक्ति को आप जानते नहीं जिससे कान सुनते हैं आप उसको भी जानते नहीं तो जिस शक्ति से तुम्हारे आंख कान नाक जीभ, त्वचा चलती है उसी को इंद्रिय बोलते हैं इंद्रिय को मन बुद्धि चलाता है तो इंद्रिय और मन के बीच में कनेक्टिविटी प्राण की है प्राण जोड़ता है प्राण है तो शरीर चलेगा प्राण है तो हमारी ज्ञान इंद्रियों में आ, देखना सुनना बोलना चखना चलना फिरना ये सब कुछ होगा तीसरा हमारा एक और शरीर है जिसे हम कहते कारण शरीर मोटा मोटी कहूं तो कारण मतलब माया जिस माया से मन निकला उसे कारण शरीर बोलते हैं ठीक तो ये तीन शरीर है और जिसे हम कहते हैं आत्मा वो तीनों शरीर नहीं है जिसे हम कहते हैं आत्मा आत्मा मतलब जो सत्य स्वरूप है जो चैतन्य है जो आनंद है और आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है तो जिसे आत्मज्ञान नहीं है कह सकते हैं उसे परमात्म ज्ञान भी नहीं है ठीक है अब अज्ञान है मन बुद्धि में तो मन बुद्धि के आए हुए इस अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञानी गुरु की जरूरत होती तो आत्म का ज्ञान आत्मज्ञानी देगा आत्म का ज्ञान अगर चाहिए नहीं तो फिर कोई आत्मज्ञानी मिल भी जाए तो तुम्हारे लिए तो बेकार ही है अच्छा मैं एक बात कहती हूँ कोई चमत्कार कोई शक्ति जिसके पास है मान लो है किसी के पास आप उसके पास गए मेरी नौकरी लग जाएगी उन्हें कहाँ लग जाएगी तुमने आपने पूछा शादी हो जाएगी उन्हें कहाँ हो जाएगी या नहीं होगी आपने कहा मेरे इसको कैंसर है वो ठीक होगा कि नहीं होगा उसने जवाब दे दिया पर क्या वो मृत्यु के भय से बचा सकता है नहीं दुनिया की चीजों के बारे में तो बोल सकता है पर ब्रह्म क्या है यह बता सकता है भगवान क्या है यह बता सकता है तुम दे मन बुद्धि हो ही नहीं तुम तो आत्मस्वरूप हो क्या यह बता सकता है तो मन के मूल अज्ञान का नाश हुए बगैर परमानंद तो होगा नहीं और परमा आनंद की प्राप्ति के लिए ज्ञानी गुरु ज्ञान का सत्संग और मन को अंतर्मुखी करके सत्वगुणी बना करके ये सब विषयों को समझना बहुत आसानी से फिर हो जाता है पर अगर जैसे सुना कि आत्मा होता है कहाँ होता है कौन होता है ये प्रश्न तो उसके बाद ही कोई उठाएगा ना तो जब आप कहो कि भगवत गीता का श्रवण करते हैं जब हम भगवत गीता को समझते हैं तो फिर एक एक करके सब प्रश्नों के उत्तर हमको मिल जाते हैं बहुत लोगों को धर्म की राह पे जो चलते हैं उन्हें स्वर्ग चाहिए उन्हें भी आत्मज्ञान नहीं चाहिए तो अब वो बोले कि यहां शतचंडी यज्ञ रखा है आओ वो जा रहा है क्यों कि मैं जाऊंगा मुझे, मुझे पुण्य मिलेगा मैं दक्षिणा दान करूंगा मुझे पुण्य मिलेगा पुण्य से स्वर्ग मिलेगा ज्ञान तो उसको भी नहीं चाहिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य होता है जो ज्ञान की चाह करता है और उन हजारों ज्ञान की चाह करने वालों में कोई एक है जिसको ज्ञान की प्राप्ति होगी बाकी सब ये इसी चक्कर में पड़े रहते बेटा हो जाए बहू आ जाए शादी हो जाए घर बन जाए पैसा नहीं है कार नहीं है मकान नहीं है उसी में अभी लगे पड़े हैं मैं गलत नहीं कह रही हूँ उसको मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है रोटी भी चाहिए मकान भी चाहिए तकलीफ शरीर में कोई हो जाए तो दवाई भी चाहिए दवाई के लिए फिर पैसा चाहिए पैसा बहुत ज़रूरी है लेकिन आत्मज्ञान की चाह तो वही करेगा जो ये समझ ले कि शरीर को हम कितना भी खिला पिला लें और कितना भी पैसा खर्च कर लें ये फिर मरेगा इसके अंदर जो प्राण है इस शरीर में वो हमेशा नहीं रहेगा प्राण तो निकल जाएगा तो मृत्यु क्या है जन्म क्या है प्राण शक्ति क्या है और जिसे हम चेतना कहते हैं चेतना अर्थ क्या होता है जैसे बिजली के संपर्क में आने से बल्ब में रोशनी आ जाती है ऐसे चैतन्य के संपर्क में आने पर ये मन विचार करता है ये बुद्धि निश्चय करती है ये प्राण अपना कार्य करता है तो जैसे सूर्य और सूर्य की किरण ऐसे आत्मा और आत्मा से हम कह सकते हैं संपर्क में आया हुआ जो ये आभासित, जो आभासित है उस आभासित को मान मतलब पूरी बात तो इसमें नहीं बनती है लेकिन मोटा स्थूल स्थूल भाग में अगर मैं कहूं तो जैसे सूर्य की किरण और सूर्य ऐसे ही आत्म तत्व और चेतना शक्ति तो ये जो मन में सोचने समझने की ताकत आई है ये चेतना शक्ति से आई है और प्राण में भी जो गति आती है वो भी चेतना से ही आती है